मेरी समझ से रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, पर्टिकुलरली इन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट. एंड गवर्नमेंट का जितना क्लियर विज़न है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके और जिस तरह की सपोर्ट गवर्नमेंट हमें दे रही है, इट्स अ वंडरफुल लॉट ऑफ सपोर्ट्स, वी आर एक्सपेक्टेड टू कम. आई थिंक सो इट विल बी ए बिग बिग अ काइंड ऑफ बिजनेस, पर्टिकुलरली अफोर्डेबल हाउसिंग इन नेक्स्ट 5 years. बिल्डर के लिए इस समय जो चैलेंज है, पुराने टाइम में भी वही चैलेंज रहा है, आज भी वो कॉमन चैलेंज रह रहा है, टाइम फॉर द अप्रूवल. जो टाइमलाइन अप्रूवल्स में लग रहा है वो स्टिल भी अभी ज़्यादा है. आई थिंक सो गवर्नमेंट को सिंगल विंडो इन पर्टिकुलर इन अफोर्डेबल हाउसिंग दैट नीड टू बी टेक केयर. सेकेंड पार्ट इज इन अफोर्डेबल हाउसिंग बिकॉज वी हैव टू डिलीवर विद इन टाइम एंड विद इन कॉस्ट, इन द रीजनेबल कॉस्ट. Then the land cost is one of the biggest element in that need to be addressed by the government. They can exempt us from stamp duty. And second thing, they can provide us the land which is owned by the state and the governments, and we can participate with them. रेरा स्टिल बहुत बढ़िया कानून है और आई थिंक सो रेरा से जितने भी पूरा एक सेक्टर है उसके अंदर एक क्रेडिबिलिटी वापस आने की कोशिश हो सकती है. एक ट्रस्ट जो आज थोड़ा सेक्टर का थोड़ा सा हिला हुआ था, लेकिन रेरा के आने से आई थिंक सो कस्टमर के नज़र में वो ट्रस्ट वापस आएगा. आई थिंक सो बायर्स को आज पहले से ज़्यादा कंफर्ट आएगा क्योंकि आज रेरा इज़ देयर, वो सारे इंटरेस्ट उनके प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा अवेलेबल है. आई थिंक सो उससे पहले नहीं था, तो आई थिंक सो दे शुड बी मोर कंफर्टेबल नाउ, दे शुड फील मच कंफर्टेबल नाउ. बेहतर है क्योंकि मल्टीपल टैक्सेशन कोई भी सिस्टम किसी भी इकोनॉमी में जब होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन आई थिंक सो ये मल्टीपल टैक्सिंग सिस्टम रिमूव हुआ है जीएसटी के आने से, तो किसी भी सेक्टर के लिए, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, ओवरऑल सेक्टर के लिए बेहतर है.